सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच्ची खबर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अभी तक के कुछ खास खबरों पर। रोहतास जिला के बीकम अनुमंडल क्षेत्र के मैट्रिक टॉपर सूरज कुमार को शहर के अम्बेडकर कोचिंग संस्थान द्वारा किया गया सम्मानित। मैट्रिक टॉपर मलियाबाग के कई गांव निवासी लाल बाबू सिंह का पुत्र, जिसने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 464 अंक के साथ 92.1% अंक प्राप्त करते हुए अपने गांव सहित अनुमंडल क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके अवसर पर कोचिंग संस्थान में एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के लगभग 70 छात्र छात्राओं को कोचिंग संचालक अखिलेश प्रताप सिंह सहित अन्य शिक्षकों द्वारा बच्चों को बुके, किताब, कलम सहित मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मैट्रिक में अव्वल आए सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित थे। सम्मान समारोह सभा को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक ने बताया कि यदि कोई भी विद्यार्थी अपने पठन पाठन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो वह हर हाल में सफल होता है, जिसके लिए हर विद्यार्थी में दृढ़ संकल्प कर्म करने की अभिलाषा होनी जरूरी होती है। इसमें सभी सफल छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दी है। इस मौके पर शिक्षक रामजी सिंह, पप्पू मिश्रा, डी के पांडे, अमरेंद्र सिंह, संतोष कुमार, प्रशांत श्रीवास्तव पांडे जी सहित प्रिया कुमारी, राजा कुमार, शिवम सिंह, श्रेया कुमारी, शाहना खातून, मधु कुमारी सहित अन्य छात्र छात्रा उपस्थित थी। किस हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की? रामपियार सिंह उच्च विद्यालय कवई। माता का नाम क्या है? श्रीमती जयंती देवी। पिता का नाम? श्री लाल बाबू सिंह। तुम्हें कब पता लगा कि तुम अनुमंडल में टॉप किए हो? परीक्षा के एक दिन बाद। कितना मार्क्स आया था मैट्रिक में? 464। कितने परसेंट हुए? 92.1। आगे क्या तुम्हारा लक्ष्य है? एनडीए ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या तुमको कहीं ऐसा कमी महसूस हुआ कि तुम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे उसके अनुसार तुम्हारा नंबर आया या नहीं आया? नहीं सर, ऐसा तो कमी नहीं महसूस हुआ। लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे कर रहा था मैं? जब लॉकडाउन लगी तो कैसे कर रहा? लॉकडाउन में सर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, क्या इससे अच्छा भी कर सकते थे नंबर के लिए? हाँ सर, थोड़ा और परिश्रम करते तो इससे अच्छा भी कर सकते थे। आगे लक्ष्य क्या बताया तुमने? एनडीए ऑफिसर बनना।